नमस्ते, मैं तो अशोक राज। आज का वीडियो में हम लोग का क्या डिस्कशन ले जा रहा हूँ, आरटी मतलब क्या है, आरटी आरटी का जो एलिजिबिलिटी क्या है, उसका कैसे जो उसका फॉर्म सबमिट करना बोल के ये वीडियो में हम लोग के डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। ये तो सभी का, ये तो अवेयरनेस वीडियो है भाई। सभी सभी लोग को ये नहीं जानता है, मतलब आरटी मतलब क्या बोल के नहीं जानता है, उसके लिए ये वीडियो हम लोग को बना रहा हूँ, ठीक है। सो अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करने से सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद भी एक बेल भी हो जाता है, उसको भी दबा दीजिए। अगर दबाने से कोई भी हम लोग को एक वीडियो डालने से आपको तुरंत मिल जाएगा। मतलब आरटी मतलब क्या है, राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन 2019 से हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट उसका जीओ जो रिलीज किया था, इसका मेन एम क्या है। अभी अभी आप तो पेरेंट है, आप तो क्या सोचेगा, आपका जो बच्चा लोग को आप लोग को अच्छा अच्छा वाला स्कूल में आप लोग को डालना चाहिए बोल के सोचेगा। मतलब अच्छा वाला स्कूल मतलब मेट्रिकुलेशन है तो सीबीएसई में डालने के लिए अभी आपका इनकम बहुत कम रहने से आप क्या कर सकता है, उसमें नहीं डाल सकता है। क्यों पूछने से उसका जो स्कूल है ना, स्कूल का फीस वो ज़्यादा रहेगा, इसलिए उसको आपको डालने के लिए आपको मन है, आपका जो इनकम बहुत कम है, ऐसा सिचुएशन में आपको आरटीई में आप एप्लीकेशन लगा सकता है। मतलब कोई भी एक स्कूल, कोई भी सीबीएसई स्कूल नहीं तो मेट्रिकुलेशन स्कूल, कोई भी एक स्कूल में 25% ऑफ सीट आरटीई को स्टूडेंट को देना चाहिए। इसलिए अगर आप मान लीजिए आपका वो एक स्कूल का 100 सीट है बोल के मान लीजिए, उसी में 25% का सीट मतलब 25 स्टूडेंट का सीट है ना, वो आरटी प्रोसेस में जो सेलेक्ट होता है ना स्टूडेंट, उसको देना चाहिए, वही आरटी है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन। ओके, उसका आप एलकेजी में आपको बच्चा लोग को डाल सकता है, नहीं तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में डाल सकता है, लेकिन उसका ऊपर में जाएगा तो नहीं डाल सकता है, वही प्रोसेस वही है। अभी आपका जो बच्चा एलकेजी, आपका जो चाइल्ड एलकेजी में आप स्कूल में डालना चाहिए तो वो 3 इयर्स 10 मंथ से 4 इयर्स 10 मंथ उसका अंदर में रहना चाहिए। अब एडमिशन फर्स्ट स्टैंडर्ड को आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपको डालना चाहिए तो उसका ईयर 5 इयर्स 10 मंथ से 6 इयर 10 मंथ उसका उसका अंदर में रहना चाहिए, ठीक है। जो मेन इनकम 3.5 लाख का नीचे रहना है, मतलब आपका जो फैमिली इनकम है ना, ईयरली इनकम 3.5 लाख का नीचे रहने से आप लोग को इसको अप्लाई आप लोग को ये आरटीई में अप्लाई करने के लिए आप लोग को कर सकता है, ठीक है। ये तो मैं तमिलनाडु का मतलब क्राइटेरिया में बोलता हूँ, आपका एक एक स्टेट के लिए एक एक क्राइटेरिया होता है, लेकिन आरटीएस सभी इंडिया में सभी 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 जगह पे ये सभी स्टेट लोगों को क्या करता है, ये तो इम्प्लीमेंट किया था, इसलिए आरटी के बारे में आप पूछो, नहीं तो आप नेट में सर्च करो आपका स्टेट में आरटीए प्रोसेस कभी स्टार्ट हो रहा है बोल के चेक करो, चेक करके ये तो अप्लाई कर सकता है। मेन क्राइटेरिया क्या है, 3.5 लाख का नीचे होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को क्या करना, आरटीए का जो वेबसाइट होता है गवर्नमेंट का वेबसाइट, एक स्टेट का एक एक वेबसाइट होता है, वही वेबसाइट पहले जाना है, फिर जाके आपका जो डिटेल सब कुछ उसमें फिलअप करना है, फिलअप करने के बाद पासवर्ड सब कुछ देगा, फिर वो सब कुछ डालना है। मतलब आरटीए में आप लोग को 1 किलोमीटर नहीं तो 1 से 3 किलोमीटर का अंदर पे आपका हाउस, आपका जो घर से 3 किलोमीटर के अंदर में जो स्कूल होता है मेट्रिकुलेशन नहीं तो सीबीएसई स्कूल होता है, उसमें आप एप्लीकेशन फिलअप कर सकता है। मतलब आपका जो एप्लीकेशन मतलब डॉक्यूमेंट लगा सकता है, एप्लीकेशन में कम से कम 3 से 5 स्कूल का प्रायोरिटी आपको दे सकता है, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस में 3 से 5 तक आप लोग को सिलेक्शन कर सकता है, उसमें आपको एक मिल जाएगा। आप आरटीई में बराबर जो क्या क्या उसमें मतलब क्या क्या एलिजिबिलिटी जो मैं तो बोला सब कुछ आपका अंदर, वो एलिजिबिलिटी का अंदर आपको आएगा तो आपको एडमिशन मिल जाएगा आरटीई का अंदर पे। ये तमिलनाडु का वेबसाइट है, तमिलनाडु का ये जगह पे क्या क्या जो डॉक्यूमेंट अभी तमिलनाडु में पूछ रहा है, देखो फोटोग्राफ पूछ रहा है, बर्थ सर्टिफिकेट पूछ रहा है, फिर आधार कार्ड नहीं तो राशन कार्ड पूछ रहा है, इनकम सर्टिफिकेट पूछ रहा है, फिर कम्युनिकेट सर्टिफिकेट पूछ रहा है, ठीक है। ये तमिलनाडु में ऐसा है, लेकिन आपका एक एक स्टेट को एक एक डॉक्यूमेंट पूछेगा, लेकिन यही डॉक्यूमेंट कॉमन डॉक्यूमेंट वो लगता है, क्यों बोलने से आरटीए का वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो इम्प्लीमेंट किया है ना, इसलिए डॉक्यूमेंट एसेंशियल डॉक्यूमेंट यही रहेगा, उसका छोड़ के छोटा छोटा प्रोसेस थोड़ा चेंज होगा, ठीक है। आप आपका जो वेबसाइट राइट टू एजुकेशन बोल के आप नेट में डालो, आपका स्टेट डालो, स्टेट में डालने से क्या वेबसाइट जाना है, ये एप्लीकेशन प्रोसेस कभी स्टार्ट हो रहा है, अगर ये मतलब ये साल में आपको आपका बच्चा लोग को आप लोग को पहले जो स्कूल में डाल दिया सिंधा मत, आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से भी डाल सकता है। अभी आप ध्यान में रख लीजिए, 1 साल का 1 बार ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, प्रिक्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसका सेलेक्शन प्रोसेस कैसे है, तमिलनाडु में अभी क्या होता है, जुलाई 5th से अगस्त 3rd का अंदर
सबमिट कर सकते हैं, मतलब कम से कम एक महीना देता है ऐसा सभी स्टेट का भी देगा। फिर आप लोग का सबमिट करने के बाद आपको तुरंत वो 4 दिन 5 दिन का अंदर उसका सिलेक्शन प्रोसेस का क्या स्टेटस बोल के आप लोगों को मिल जाएगा, मतलब रिजेक्शन रहे तो क्या रिजेक्शन, किस लिए रिजेक्शन करता हूँ, ऐसा कुछ डिटेल रहेगा। अगर मान लीजिए अभी मैं तो बोला 25% अभी मतलब एक स्कूल में 100% का जो स्टूडेंट है बोल के 100% का सीट है बोल के मान लीजिए, उसमें 25% का सीट आरटीए प्रोसेस में जो स्टूडेंट आता है उसको देना चाहिए। अगर 25% का मतलब 100 सीट है 25% मतलब क्या है 25 सीट है। अगर 25 सीट का जगह पे 100 पीपल अभी उसके लिए एप्लीकेशन डाल रहे बोल के मान लीजिए, अभी क्या करेगा, मतलब ज्यादा सीट अभी 25% का मतलब 25 सीट का अंदर आदमी लोगों को अप्लाई करने से सभी लोगों को मिल जाएगा, मतलब 25 का ऊपर अभी ज्यादा एप्लीकेशन आएगा तो उस लोग क्या करेगा रैंडम प्रोसेस मतलब क्या है, सभी नाम एक छोटा छोटा पेपर में लिख देगा, लिख के उसी से 25 स्टूडेंट का नाम उसी से निकलेगा, उसी से में क्या जो आदमी लोग आ रहा है वही को जो सीट मिल जाएगा आरटीए प्रोसेस में। यही प्रोसेस है अभी तमिलनाडु में जो ऐसा ही होता है, दूसरा सीट का कुछ ना कुछ चेंज होगा। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स। ये तो आरटीए मतलब क्या है, राइट टू एजुकेशन, वो सभी लोग को मतलब क्या है एलकेजी से 8th स्टैंडर्ड तक जो आदमी लोग को जरूर वो तो सिग्नाए मतलब जरूर वे लोग को स्कूल जाना है बोल के गवर्नमेंट सोच के यही प्रोसेस जो इम्प्लीमेंट किया था। अभी 3.5 लाख का पहले आपका इनकम ईयरली इनकम रहने से आप तो आरटीए प्रोसेस में आप लोग को एप्लीकेशन डाल सकता है। तो आपका आपका कोई भी स्टेट हो आपका स्टेट का जो आरटीए वेबसाइट कुछ होगा वो जाके देख लीजिए, वो फॉलोअप कीजिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट जो पूछ रहे उसको अपलोड कीजिए। अपलोड करने से आपका स्टूडेंट एलकेजी से 8th तक जो फ्री में सभी कुछ भी फ्री मतलब सभी फ्री है, खाली जो ट्रांसपोर्टेशन फिर अगर कुछ ना कुछ बुक का फीस कुछ रहेगा तो वही आप देना चाहिए, उसका छोड़ के बाकी ट्यूशन फीस सब कुछ फ्री है। इसलिए थोड़ा इसको थोड़ा आप लोगों को एलिजिबिलिटी रहने से जरूर अप्लाई कीजिए। ठीक है, अगर ये वीडियो आपका फ्रेंड लोग भी कुछ मदद होगा बोल के आप सोचने से आपको फ्रेंड लोग भी शेयर कीजिए। सो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करने से सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका कुछ डाउट रहने से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग हमारा चैनल भी। टेक्निकल वीडियो अगर ऐसा वाला मतलब सभी लोग को जो जाना चाहिए ना ऐसा इन्फॉर्मेशन भी हम लोग को डालते रहता हूँ। ठीक है, इसलिए हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय।